नमस्ते भारत, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे चेक्स वर्ल्ड। तो आज हम सीखेंगे मूंग दाल का चीला बनाना। बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है ये और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में और बहुत आसान है। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मूंग दाल का चीला बनाने के लिए हमें सबसे पहले कटोरी के अंदर मूंग दाल लेना है। 5 से 6 टेबलस्पून करीब मैंने यहाँ पे मूंग दाल लिया है, पीली दाल भी हम इसे कहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एक बड़ा सा कटोरी। कटोरी के अंदर हम मूंग दाल निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे आधा ग्लास पानी। पानी डालने के बाद हम मूंग दाल को ढक देंगे। कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए हम रखेंगे, या तो आप ओवरनाइट के लिए भी मूंग दाल को सोख करके रख सकते हैं। और मूंग दाल को ओवरनाइट सोख करने के बाद यहाँ पे हमारा मूंग दाल बहुत ही अच्छे से सोख हो चुका है। ये देखे कितने अच्छे से हमारा मूंग दाल यहाँ पे सोख हो चुका है। अब हमें यहाँ पे मूंग दाल को कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से धो लेना है। और यहाँ पे हमने मूंग दाल को 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे ग्राइंडिंग जार। ग्राइंडिंग जार के अंदर हम सबसे पहले मूंग दाल को निकाल लेंगे। और आप यहाँ पे छिलके वाली मूंग दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्राइंडिंग जार के अंदर मूंग दाल निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और 1 यहाँ पे हम लहसुन डालेंगे। तो यहाँ पे आप हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी और पानी डालने के बाद हम ग्राइंडिंग जार का ढक्कन लगा देंगे। उसके बाद हम इसका एक फाइन प्यूरी बना लेंगे। बिल्कुल फाइन प्यूरी बनाना है हमें, बिल्कुल दरदरा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने मूंग दाल का बहुत ही अच्छा सा फाइन प्यूरी बना लिया है। अब मूंग दाल की प्यूरी को हम एक बड़े से पतीले के अंदर निकाल लेंगे। उसके बाद हम मूंग दाल की प्यूरी के अंदर डालेंगे 1 चम्मच सूजी। यहाँ पे बारीक सूजी का हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच बेसन। और बेसन डालने के बाद हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आप मिक्स करें तो इस बात का ध्यान दें कि यहाँ पे लम्स ना बने। मूंग दाल सूजी और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने मूंग दाल सूजी बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद हम प्लेट से इसको ढक देंगे और कम से कम 2 घंटे के लिए हम इसको फर्मेंट होने देंगे। अब हम यहाँ पे सब्जियों को कट कर लेंगे। तो सब्जियों में मैंने यहाँ पे लिया है आधा प्याज, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक में कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है आधा शिमला मिर्च, जिसे भी मैंने बारीक में कट कर लिया। और आधा यहाँ पे मैंने टमाटर लिया है। टमाटर का जो बीज होता है आप यहाँ पे निकालें और टमाटर को बारीक में कट कर लें। और 2 घंटे के बाद यहाँ पे हमारा मूंग दाल अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसके अंदर सब्जियाँ डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे शिमला मिर्च, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। सभी सब्जियों को डालने के बाद अब हम दोबारा से मूंग दाल और सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने मूंग दाल और सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा हम इसके अंदर अजवाइन डालेंगे। और उसके बाद दोबारा से हम मूंग दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया है। मूंग दाल को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में धनिया पत्ता नहीं डाला था, स्टार्टिंग में ही धनिया पत्ता डालें। तो धनिया पत्ता डालने के बाद हम दोबारा से मूंग दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा बैटर बन करके तैयार हो चुका है। अब उसके बाद हम यहाँ पे तवा लेंगे, तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप यहाँ पे सरसों तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल को अच्छे से हम तवे के ऊपर फैला लेंगे। उसके बाद हम रिफाइंड ऑयल को गर्म होने देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मूंग दाल का थोड़ा सा बैटर लेंगे और तवे के ऊपर डालेंगे। और हल्का हल्का हम मूंग दाल को अच्छे से फैला लेंगे और यहाँ पे हम मूंग दाल को अच्छे से पकने देंगे। और थोड़ी देर बाद हम मूंग दाल चीला के ऊपर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। उसके बाद मूंग दाल चीला को हम यहाँ पे फ्लिप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर के साइड से हमारा मूंग दाल चीला बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अब हम नीचे के साइड से मूंग दाल चीला को पकाएंगे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे मूंग दाल चीला हमारा दोनों साइड से अच्छे से पक चुका है। अब हम मूंग दाल चीला को नीचे के साइड से भी फ्लिप करेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से हमारा मूंग दाल चीला जो है बहुत ही अच्छे से पक चुका है। और अगर आपको मूंग दाल चीला क्रिस्पी पसंद है तो आप इसको थोड़ी देर और पकाएं, दोनों साइड से अच्छे से पका लें। ये देखिए हमारा दोनों साइड से अच्छे से रेडिश ब्राउन कलर का हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। मूंग दाल चीला हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ये बना करके खिला सकते हैं। आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर दिन नए नए वीडियो लेकर के आते तो चैनल पर बने रहे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।